गरियाबंद के उड़न्ती सीता नदी अभ्यारम के बर्फ जोन में बसे अवैध बस्ती सोरमनाल को नक्सलियों ने महज कुछ ही घंटों में खाली कराया। यहां बाहर से आकर बसे 69 ग्रामीणों ने 188 हेक्टेयर वन भूमि पर कब्जा कर लिया था, जिन्हें खदेड़ने अभ्यारण्य प्रशासन पिछले 2 साल से प्रयास कर रही थी। हर बार राजनीतिक दबाव के कारण कार्यवाही में रौड़ा बन जाता था। दरअसल जिले के इस नक्सली प्रभावित इलाके में पुलिस लगातार कैंप खोल रही है। अकेले मैनपुर डिवीजन में अब तक 9 पुलिस कैंप खोले जा चुके हैं। अतिक्रमण में समीप रहे जंगल भी नक्सली मूवमेंट में बाधा ला रहे हैं। ऐसे में अब नक्सली अतिक्रमणकारियों को खदेड़ने का काम शुरू कर दिया है। जिले में घटी इस वारदात से प्रशासन भी वास्ता तो रखता है, लेकिन कैमरे के सामने बात को स्पष्ट करने से बचते नजर आ रहे हैं। कैसे कर रहे तो आप खाली कर रहे हैं, खाली चलो बोल के नहीं चल रहे हैं, सर कैसे करेंगे? तो अब 20-25 साल हो गए। तो अभी दूसरे जगह कहाँ पे रहोगे आप? कोयबा में। कोयबा में रहोगे? हाँ। तो कितना एकड़ जमीन जमीन था? नहीं, वहाँ जमीन नहीं है ना। क्या करोगे आप? है? क्या करोगे आप? कहाँ खाएंगे? रोजगार करके नहीं कमा के खाएंगे। तो कहाँ पे रहोगे? रहने की व्यवस्था है वहाँ? कोयबा में मकान बहुत है। इसका वन विभाग के DO4 रेंजर और ग्रामीण और हम जन प्रतिनिधि के साथ एक बैठक हुई है। बैठक में यह तय हुआ था बिचका रास्ता में जो पूर्व से रतन कमार के परिवार, उसके बाद जो वहां का झांकर पटेल 20-30 लोगों का जो पूर्व से बैठे थे, जो बाद में बैठे हैं फिर वन पर कब्जा करके, उसमें ये बातें हुई थी। उसमें वन संसाधन के तहत वृक्षारोपण करने की बात सहमति हो गई थी। और मुझे अभी तक पता नहीं है, आपके द्वारा ही स्वर्णमाल खाली हो रहा है करके आप बताए हैं। मैं ग्रामीण से रूबारू चर्चा नहीं हो जाती तब तक मैं उसके संबंध में कहना। देखिए, इसमें प्रथम दृष्टया जो खबर मिली है उसका सत्यापन तो अभी होना बाकी है कि अखबार में भी जो छपा है कि अंदर वालों के डर से जो है उन्होंने अतिक्रमण कार्य में जो है अपना जो भी अतिक्रमण है 188 हेक्टेयर में उसको छोड़ा गया है। तो हमारा उसमें यही है कि हम पूरे जी जान से इसके लिए कोशिश कर रहे थे कि हम खुद ही इसको जो हटाएं, लेकिन जो है वो अनहोनी घटना होकर जो है ये लोग वहाँ से हट चुके हैं। आगे हमारा कोशिश यही है कि जो झोपड़ियाँ निर्माण जो लोग किए हैं अतिक्रमणकारी, उसको जो है तत्काल ही जो है वहाँ से हटाया जाए, ताकि जो है उसका फायदा कोई दूसरे अतिक्रमणकारी ना लें, या फिर यही जो है जिनको अभी अपने स्वेच्छा से जो ये लोग गए हैं, जैसे भी गए हैं, तो ये लोग कहीं वापस ना आ जाए, तो उसमें जो है हम कार्रवाई करेंगे। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं। ये है इंदु ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज़, हर पल हर क्षण हर सच।